इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वादी कश्मीर से, जहां पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने समर वेकेशंस का ऐलान कर दिया है। जो भी बच्चे नर्सरी से लेके ट्वेल्थ तक यानी हायर सेकेंडरी तक है, उनकी जो समर वेकेशन है वो स्टार्ट हो रही है 4 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक। अगर बात करें गर्मियों की, तो दिन ब दिन जो है वादी कश्मीर में गर्मियों में इजाफा देखने को मिलता है। और अगर कल की बात करें तो सीज़न का हॉटेस्ट डे जो है पाया गया, और हर रोज़ जो है सीज़न हर रोज़ गर्मियों में इजाफा होता है। और उस सब को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के लिए जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज ये ऑर्डर निकाला कि समर वेकेशंस का ऐलान कर दिया। इसी सब में हमें चाहिए कि अपने बच्चों को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि सोनम लोटा से जब हमने बात की उन्होंने भी कहा कि वक्तन बवक्तन जो है पानी देना चाहिए बच्चों को, या जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पानी देना चाहिए, क्योंकि इस सब मौसम में जो है डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है और इस सब में अपनी बॉडी को हाइड्रेट ज़रूरी रखना होता है। तो इस सब में हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है। अगर बच्चों की बात करें तो उनको भी वक्तन बवक्तन पानी देना है, ताकि वो और कुछ खाने के लिए भी, ताकि वो जो है हाइड्रेटेड रहे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वादी कश्मीर से, जहां पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने समर वेकेशंस का ऐलान कर दिया है। जो भी बच्चे नर्सरी से लेके ट्वेल्थ तक यानी हायर सेकेंडरी तक है, उनकी जो समर वेकेशन है वो स्टार्ट हो रही है 4 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक। अगर बात करें गर्मियों की, तो दिन ब दिन जो है वादी कश्मीर में गर्मियों में इजाफा देखने को मिलता है। और अगर कल की बात करें तो सीज़न का हॉटेस्ट डे जो है पाया गया, और हर रोज़ जो है सीज़न हर रोज़ गर्मियों में इजाफा होता है। और उस सब को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के लिए जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज ये ऑर्डर निकाला कि समर वेकेशंस का ऐलान कर दिया। इसी सब में हमें चाहिए कि अपने बच्चों को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि सोनम लोटा से जब हमने बात की उन्होंने भी कहा कि वक्तन बवक्तन जो है पानी देना चाहिए बच्चों को, या जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पानी देना चाहिए, क्योंकि इस सब मौसम में जो है डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है और इस सब में अपनी बॉडी को हाइड्रेट ज़रूरी रखना होता है। तो इस सब में हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है। अगर बच्चों की बात करें तो उनको भी वक्तन बवक्तन पानी देना है, ताकि वो और कुछ खाने के लिए भी, ताकि वो जो है हाइड्रेटेड रहे।